अम्मा के रूम के लिए. कितने क्यूट. चेक दिस आउट. हेयर सुखाने के लिए डॉलर ट्री. यहाँ हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा. आपका घर आपका इंतजार कर रहा है. लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना. बेटर टुगेदर. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हो गया है मंडे और मैं जा रही हूँ ऑफिस. सुबह सुबह उठ गई थी. माय गला वाज नॉट फीलिंग टू वेल. खाना खुना खाया और ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को. बाय द वे, दो दिन रह गए हैं. ओह माय गॉड, नॉट इवन प्रॉपर दो दिन, मतलब परसों मम्मा भी है. आई एम सो एक्साइटेड. थैंक यू सो मच बब्बर जी. थैंक यू. घर भी इतना अच्छा लग रहा है. बेड इतना बढ़िया, सारी सेटिंग अच्छी हो गई है. आई एम सो 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 ग्लैड. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. यहाँ जो बताया था 10 डिग्री हो रहा है और फील नहीं हो रहा 10 डिग्री. By the way, bag बहुत ज़्यादा भारी है. लैपटॉप भी है, टिफिन भी है, it's quite heavy. जो कल रात को स्नैक्स पैक किए इतना लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी है मेरा बैग. अम्ब्रेला भी रखी हुई है सो कल लेकर आऊँ. बैग हल्का होगा विद नो लैपटॉप. लंच मैंने ऑफिस में ही खा लिया था और अब मैं लेने जा रही हूँ कॉफी. और मैं ट्राई करने वाली हूँ एक नया कैफे विच इज कॉल्ड फंक बार. यहाँ से लेंगे कॉफी या चाय, देखते हैं. काफी बढ़िया कोवर्किंग वाला कल्चर है. They have a photo booth too. So tiny. Oh my God, this is flat white. इनका एक ही साइज है. And वो इतना छोटा है. अभी मैंने फ्लैट वाइट पी नहीं है सो इट कॉस्टेड मी $5 एंड देन द ब्राउनी वॉज फॉर $4.50. दिस इज लाइक स्मॉल साइज फॉर $5. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस साइज. नाउ लेट्स गो बैक टू द ऑफिस. दोस्तों घर पहुंच गया हूँ. थक गया. मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा टूना. बहुत भूख लग रही है, बहुत से भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बता नहीं सकता मैं. सो आज बेसिकली 3 मीटिंग्स थी और तीनों की तीनों बढ़िया रही. हाँ मेरा गुग्गा, हाँ मेरा सोना, मेरा टूना. सिपियां करी, इसको भी भूख लगी होगी. पापा आए हैं. पापा 5 बजे घर. ओ पापा सबसे बुरे, पापा सबसे बुरे. पापा निर्लायक. बट पापा निकले कितने बजे थे? पापा 1 o'clock गए थे. 4 hours के लिए तो गए थे पापा. चलो कुछ खाते हैं. अब देखेंगे टीवी और कल की रात पास्ता बनाया था वो खाऊंगा मैं. आई लव होम यार. चिलैक्स करिए बैठो. गई हूँ न्यू वेस्टमिंस्टर स्टेशन पे. यहाँ पे मैंने जाना है नीचे डॉलर स्टोर. मुझे एक्चुअली लेनी है कुछ कुछ चीजें मम्मा के रूम के लिए. अच्छा सा बनाना है. आई ओनली हैव 2 डेज. कुछ लाइट वगैरह देखें. ज्यादा ही क्यूट क्यूट सामान है, इतना क्यूट चाहिए नहीं. कितनी क्यूट डायरी है, कितनी क्यूट ट्रैवल वाली चीजें पड़ी हैं यहाँ पे. प्राइसेस ठीक है, मतलब $7, $4. और जो मम्मा के लिए हेयर टॉवल भी ले सकती हूँ मैं, क्यूट सा हेयर ड्राइंग कैप. आई थिंक शी विल लुक सो क्यूट इन दिस. आई शुड गेट दिस. इतनी क्यूट क्यूट चीजें हैं, इतना सुंदर है ये मैट भी. ये 2 चीजें ले रही हूँ मैं. जैसे मैं प्यांचो के लिए एक्साइटेड थी ना जब उसने आना था, ऐसे ही मैं अर्जुन मम्मा के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना. एक फैमिली मेंबर आ रहा है इंडिया से, वो भी फर्स्ट टाइम. और मैं अपनी मम्मा के लिए भी
एक्साइटेड थी जब उन्होंने आना था ना इधर, तो वो ही वाली फीलिंग दोबारा मेरे को आ रही है। बस कोई नजर मत लगाना प्लीज। मैं जा रही हूँ डॉलर ट्री, सोच रही ये वाली फोटोज ले लूं। चेक दिस आउट, इतने सारे फ्रेम्स मिल गए मेरे को, बढ़िया। शॉपिंग करनी है, अब चलते हैं घर। और डॉलर ट्री में दो मेरे को बहुत ही प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स मिले थे, इतना खुश हो जाता है ना मेरा दिल जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, अब इतने स्वीट दिन बना देते हो मेरा। गिफ्ट पेपर ले लिया, फोटो फ्रेम्स ले लिया, वाह। ये सारा सामान आया है $18 का बाय द वे, प्रीटी नाइस, प्रीटी रीजनेबल। इतने सारे फोटो फ्रेम्स $18 में तो बहुत बढ़िया आ गए। घर पे मैं आ गई हूँ और दोस्तों माय हस्बैंड बहुत बहुत टायर्ड है और सोफे पे ही रेस्टिंग कर रहे हैं। रेस्टिंग फियांची, व्हाट हैपेंड? आपने मम्मा का कंबल क्यों लिया है? माय जानू, माय बेबू। अच्छा, व्हाट्स हैपनिंग चिकू, व्हाट्स हैपनिंग? फियांची उठे, मैं इतनी सारी चीजें लेके आया हूँ। इतनी सारी तो नहीं, 3-4-5-6-7-8-9 लेके आती है तू, ये क्या ही है? लाल तो हुआ है पक्का, लाल के बाद नील ही पड़ता है अगले दिन तो। ज्यादा क्यों उठना बना कर गाइस, डॉलर आमा नहीं, आज से डॉलर ट्री जाएंगे, पूरे घर के लिए ले लो। नहीं, एक ही बॉल पे लगाऊंगी ना मैं। 9-3-3-3 ये ज्यादा हो जाएगा, उस वहाँ के लिए इतनी जगह है नहीं उसका, पूरे घर के लिए लगाओ। I'll show you how. यहाँ तो मैं देख इधर कर सकती हूँ, ऐसे करके देख, ये वाली बॉल 1-2-3 1-2-3 1-2-3 मेरे को ऐसे समझ में नहीं, तू विजुलाइज नहीं कर पा रहा, मैं I'll show you. एक वॉल ही अच्छी लगती है ऐसे, मैं जानबूझ के 9 लेके आई हूँ। ये वाली वॉल सामने खाली है। हाँ तो ये तो हमने वैसे ही रखनी खाली, यहाँ हमारा प्रोजेक्टर आ जाएगा। नहीं अच्छा, नहीं मुझे लगा कि जैसे अब तू भर के लेके आई है। यहाँ तो एंट्रेंस की लेफ्ट साइड पे होएगा, ठीक है, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक, लुक रियली नाइस, आई विल शो यू। और वो फिर सामने बहुत प्यारा लगता है इन द मिरर, या फिर मैं इस बेड के ऊपर सोच रही थी ऐसे। सैंडविचेस बन रहे हैं रात के, टाइम थोड़ा कम है दोस्तों। अगर आपने कीरो को एक्साइटेड होकर ये चीज खरीदी तो प्लीज बेच देना। सी दिस, जो एक्सप्रेशन दिए पागल है तो अभी थोड़ा। आज बताओ गाइस, हीरो कैसी लग रही है? झूमे जो पठान ने बहुत ही ज्यादा स्वाद बनाया आपने, लो गैस पे बनाया धीरे धीरे से, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंडा हो रहा है कुछ फूड। तो बेबो क्या कहती तेरे ऑफिस में, जब बेबो को हाँ बोली बात पता लगी? गाइस कीरत ने ना मेरे को और अपने ऑफिस में सबको ये वाला वो इतना एडिक्ट करा दिया, रैंडमली बैठे हुए ऐसे नहीं होता, सारे अपनी अपनी मस्ती में कर रहे ना अपने अपने हिसाब से। ये तो मैंडेटरी है कि अगर कीरत है, मैंने भी किसी ने ये किया है तो दूसरे लोगों को करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक हाँ सब ठीक है, गड़बड़ हो गई, बंद हो गया, तूने किया नहीं, दो बार कर दिया मैंने। चिका तेरी माँ टॉर्चर देती है यार, तेरी होम्योपैथिक मेडिसिन मंगवानी है। बाबू सुन, एक तो तेरे ना दवाइयां इकट्ठी करने का बड़ा शौक है जिंदगी में। चल अब ये बता दे, तुझे वॉक पे चलना है या नहीं चलना? चलना। चल फिर चले, रुक जा, नॉट यू, एक्साइटेड ही होना, तू पहले खाना खा। आजा मेरी शेरा, आजा मेरा गुगला। क्या चलने? चलो जैसे खाना कर ले, इसकी पेशेंस टेस्ट होगी, तुझे पता आके क्या करेगा? आ सब उसके चीके के वो हाथ होता है, ठीक है। अपने हाथ गुस्से से फट गया। कल जा रहा हूं फिर मैं। अच्छा अभी मैं छोटों में जा नहीं सकता, चलो साथ।
चलो चलो चलो। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी तेज, हम फिर भी मजे मार रहे हैं, बाहर वॉक करने आए हुए। आज ना मेरे दिमाग में ऐसे था कि मैं ना बारिश में फ्यांचो के साथ ऐसे भीगना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ, और आज ही भगवान जी ने वो ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरा तो कोई इरादा नहीं था, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा चिकू को, उसकी वजह से आए हैं वॉक पे। भाई साहब को घर जाके ठंड, अभी तो घूम रहे ना मस्त होके, जो कमलों में घुसेगा ना वहाँ पे गया अपनी। इतना इसको मैं ऑफिस में भी इसकी बात करती हूँ। तेरे ऑफिस में डॉग्स लेके जाना अलाउड है ना? मैंने देखा नहीं कोई लेकर आया आज तक, डिंग में लेकर आते हैं लेकिन। थैंक यू सो मच तनीषा। तनीषा हमारे लिए क्रम्बल कुकी से कुकी लेकर आई है, ये कनाडा में फर्स्ट स्टोर खुला है, पोर्ट कोकुटलम में। इतनी टेस्टी कुकी है, 4 घंटे का लाइन आता है, 4 घंटे की वेट है। हाँ। तो वो बंद होने लगते हैं, आपको मना कर देते हैं, अगर आप एंड में भी खड़े हो ना लाइन के, तो आप बोलेंगे आपका नंबर ही नहीं आएगा। ओ तेरी। एक बज गया पहला कुमार, तेरे दिल में क्या अपना, उड़नाई बिरू एक कर दू आसमान जमीन, आई लव यू, तू ही बता, तू ही बता। मम्मा ने परसों आ जाना है, एंड मम्मा आपका घर आपका इंतजार कर रहा है, लव यू। We all are better together. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।